सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां हम आपको पहले कभी नहीं लेकर गए। जी हां, आज हम लोग बात कर रहे हैं मंडी से कुल्लू के बीच के नेशनल हाईवे की। आज यह गाड़ी आई है पालमपुर से कुल्लू वाले रूट में, जो कि सबसे सुपर फास्ट और सुबह का पहला टाइम भी है। 5:30 बजे सुबह पालमपुर से चलकर यह गाड़ी मंडी 9:10 पर पहुँच चुकी है। अब आगे का सफ़र हम इसी गाड़ी के साथ करने वाले हैं। आज की ये वीडियो देखने में थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप लोग इसको अब पूरे एंजॉय के साथ देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको छोटी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने काफ़ी ज़्यादा सीन्स और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रूट्स को कवर किया है, यानी अलग अलग एरियाज़ को कवर किया है, तो वीडियो का लंबा होना तो जाहिर सी बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हमारी गाड़ी जो कि पालमपुर से आकर कुल्लू जा रही है, वो आज हमारे काउंटर पर आ चुकी है। इसे लेकर आए हैं आज उस्ताद अरुण जी, जो कि पहले 6865 नंबर गाड़ी यानी 6665 नंबर गाड़ी में चला करते थे। इनकी वीडियो आपने एक बार पहले भी देखी होगी, अगर देखी है तो लाइक ज़रूर करें। घड़ी ने बजा दिए 7:10 और हम लोग जोगिंदा नगर से रवाना हो गए। आज के हमारे स्टाफ मेंबर आप लोगों के सामने हैं, आज का सफ़र हमारा इन्हीं के साथ होगा। चलिए छोटी मोटी दृश्यों को हटाते हुए सीधा आपको लेकर चलते हैं मेन और ख़ास व्यू पर। आज के हमारे इस सफ़र में हल्की हल्की सी बारिश भी लगी हुई है, लेकिन बारिश में आप ये बात ना भूलें कि यह रूट पालमपुर कुल्लू सुपरफास्ट रूट है, तो इस बस में आप लोगों को स्पीड भी देखने को मिलेगी। वहीं सामने से आई HRTC की सुंदरनगर से कटरा जाने वाली बस, जिसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि हमें पास देने में काफ़ी दिक्कत आई। ऊपर से पहले से ही रोड काफ़ी हमारा बड़ा है और हमारी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकली। जोगिंदर नगर से चलने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने अगले स्टेशन पद्धर पे, जहां पे हमारा अराइवल टाइम था 8:10 का। एक तरफ तो रोमांच भी है और दूसरी तरफ एक खतरा और मंडरा रहा है कि बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड और रोड बंद ना हो जाए। आप सामने देख सकते हैं कैसे पेड़ आधी रात आंधी तूफान से ही टूट गया। अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले जो रोड होंगे कुल्लू से मनाली वाले या फिर मंडी से कुल्लू वाले, वो रोड खुला मिलेगा या नहीं। चलिए हम भी अपने सफ़र पर चले हुए हैं, आप भी हमारे साथ सफ़र में ही चलें। हल्की हल्की बारिश, बाहर धुंध, अंदर न्यू प्रेम बस सर्विस का सफ़र, इससे ज़्यादा रोमांचदायी चीज़ और क्या ही हो सकती है। पहाड़ी रास्तों में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ी रास्तों में धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है। तो चलिए अभी हम धीरे धीरे करके अपना सफ़र कर ही रहे थे कि उतने में आगे जो हुआ वो आप देखिए, हमें मिल गया एक लंबा जाम, जो कि छोटी छोटी गाड़ियाँ बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे चली हुई थी। एक एक करके सबको पास करना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों को टाइम से मंडी भी पहुंचना है। तो चलिए देखिए अब हमारे उस्ताद जी की स्पीड।
तो देखा आपने कैसे हमने एक एक करके सभी गाड़ियों को अपने पीछे किया। अब हम लोग अपने समय के साथ मंडी की ओर रवाना हो रहे हैं। हमारा समय पहले से ही काफ़ी टाइट था और ऊपर से ये जो जाम लगा इसने हमें और लेट कर दिया, तो इसलिए आगे हम लोगों को फुल स्पीड में ही जाना पड़ा। सामने से आई हमारी मनाली पठानकोट फर्स्ट टाइम, जो कि मनाली से 4:15 पर चली थी। नंबर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप इसको नंबर गैस करके कमेंट में बताएं। जैसे तैसे अपना समय कवर करते हुए हम फाइनली आ पहुंचे मंडी शहर में। ये हमारा मंडी बस स्टैंड का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, जहां पे हमें क्रॉस हुई मनाली कांगड़ा फर्स्ट टाइम अपना, जो कि न्यू प्रीम बस सर्विस की 0121 नंबर गाड़ी है। और ये गाड़ी आपको मनाली से सुबह 5:15 पर चलाएगी और आपको कांगड़ा 3:40 पर पहुँचा देगी शाम को। हमने लिया मंडी बस स्टैंड में एक छोटा सा ब्रेक, जहां पर हम 10 रुके और उसके बाद 9:20 पे हम लोग यहां से रवाना हो गए। चलिए आपको सीधे दिखाते हैं अब मंडी बस स्टैंड से आगे की वीडियो। ये अभी सामने आप एक चौक देख सकते हैं, यहाँ सीधा हम मनाली की ओर जाएंगे और जिस तरफ से हम आए ये है वो दूसरा रास्ता, जहाँ से हम कांगड़ा पठानकोट या जोगिंदानगर की तरफ से मंडी के लिए आते हैं। मंडी बस स्टैंड जाने के लिए आपको यहाँ से पहले दूसरी साइड टर्न लेना पड़ता है राइट साइड में, फिर उसके बाद वापस आप दोबारा से लेफ्ट साइड में ही जाते हैं। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं पार्वती प्रोजेक्ट का। असली रोमांच तो अब शुरू होता है। ब्यास नदी के किनारे किनारे हमारी बसी हुई ये सड़क और ये हमारा बसा हुआ शहर मंडी, यहाँ से हम अब रवाना हो चुके हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वॉइस ओवर से ज़्यादा नेचुरल व्यू दिखाया जाए, इसलिए आगे की मैक्सिमम वीडियो में आपको मेरी आवाज़ से ज़्यादा नेचुरल आवाज़ें सुनाई देंगी। मंडी में रहने वाले लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो बाहर के हैं उनको मैं बता दूं, इस तरीके की छोटी एसएमएल की बसेज मंडी नेरचौक सुंदरनगर, मंडी बग्गी सुंदरनगर और मंडी पंडोह के बीच में लोकल सर्विस देती रहती हैं। तो अगर आप लोग इनमें सफ़र करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक मेट्रो में बैठे हैं। जी हाँ, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस एक दिन में कवर कर देती है, लेकिन ज़्यादा फेरे एक ही जगह के लगाने की वजह से हम लोगों को लगता है कि क्या ये एक ही जगह घूमती रहती है, लेकिन नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती जॉब है और ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। भाई कुछ भी कहो, लेकिन ये सामने पहाड़ों में जो धुंध है और नीचे जो ब्यास नदी है काफ़ी अलग ही नज़ारा दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमाचल में नहीं किसी और दुनिया में आ चुके हैं।
अभी अभी मैंने कहा कि किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं, और ये देखो ये नए बने हुए रोड को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम हिमाचल में हैं। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे हम किसी पंजाब या हरियाणा के रोड में हैं, लेकिन सामने जब हम पहाड़ों को देखते हैं तब मन खुश हो जाता है कि नहीं, हम अपने हिमाचल में हैं। ये रोड अभी नया नया बना है, अगर आप आज से 6-7 साल पहले आते तो ये रोड यहाँ बिल्कुल नहीं था। कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़ोरों से चला हुआ है जिस कारण हमारी गाड़ियाँ भी लेट हो जाती हैं, आप लोग भी जानते होंगे। मैंने कई वीडियो में कहा है कि अभी एडजस्टमेंट के कारण कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही है। वैसे रोड जो भी बोलो काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है इन द्वारा। और ये सामने हमारी HRTC की न्यू बस खड़ी है, BS6 हिमधारा। आइए देखते हैं ये कौन से डिपो की है। ये है जोगिंदर नगर डिपो की, ना जाने कौन से रूट की गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है ये। लेकिन जो हमारा व्यू है पहाड़ों का और जो ये खुला रोड है, अब ये व्यू देखने में ज़्यादा मज़ा दिलाता है। पहले तो ऐसा था कि सिंगल रोड था, आपकी गाड़ी 20-30 से ऊपर नहीं जाती थी। अब रोड भी खुला हो चुका है, गाड़ी भी अच्छी स्पीड में चलेगी और व्यू भी आराम से देख सकते हैं। दूर सामने एक HRTC की बस चली हुई है, जब हम उसके पास जाएंगे तो बताऊंगा आपको कि वो कौन सी बस है। सामने देखिए हमारी मनाली से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस, ना जाने कौन सी डिपो की बस है, आप लोग डिपो बताएं अगर आपको पता है तो। पिछली रात हुई बारिश और साथ ही में ये रोड के काम के मलबा गिरने की वजह से ब्यास नदी का पानी काफ़ी रंग में बदल चुका है, अब भूरे भूरे रंग की शेड देता है, लेकिन पहले ये काफ़ी नीला और साफ सुथरा पानी हुआ करता था। हो सकता है जब हमारा रोड ठीक हो जाए तब ये सब भी वैसा का वैसा ही दोबारा से व्यू आने लगे, तब ये काफ़ी सुंदर लगेगा, ऊपर पहाड़ और नीचे नीले रंग का पानी। हमारे सामने चल रही है किलोंग डिपो की बस, और ये रूट इसका क्या रूट है चलिए इसको थोड़ी देर में देखते हैं। अभी हम लोग इस बस को क्रॉस कर चुके हैं और ये है इसका रूट हरिद्वार किलोंग। ये भी काफ़ी लॉन्ग रूट है और अप्रिशिएट करते हैं HRTC के ड्राइवर को जो लॉन्ग रूट्स में सर्विस देते रहते हैं। न्यू प्रेम बस सर्विस के भी काफ़ी लॉन्ग रूट है जैसे कि पठानकोट मनाली, 12-12, 13-13 घंटे के सिंगल ड्राइवर्स, उनको भी आप सेम सपोर्ट करें जैसे आप बाकी ट्रांसपोर्ट को करते हैं। अब हम आ गए हैं बिल्कुल अपनी लास्ट सीट में, चलिए आपको यहाँ से नज़ारे दिखाते हैं और साथ ही साथ एंजॉय कीजिए नेचुरल साउंड को।
ये दृश्य इतने सुंदर है कि एक भी वीडियो क्लिप को डिलीट करने का मन नहीं करा, इसीलिए ये व्लॉग थोड़ा लंबा चला गया। आप लोग भी इसको पूरा एंजॉय कीजिए और हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी को ज़रूर से देखें। अभी हम पहुंच चुके हैं पंडोह क्षेत्र। हमारे यहाँ पहुंचने के टाइम सुबह 9:53 का था, यानी 9:53 AM। हम लोग मंडी से 9:20 पर निकले थे। और अभी हम पहुंच चुके हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्लेस की, यानी यहाँ की वीडियो लाओ, यहाँ की वीडियो लाओ। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पंडोह डैम। चलिए इसको आप पूरा देखिए।
इस पैच का 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है और ये काफ़ी सुंदर और अच्छा भी लगता है देखने में। ऊपर पहाड़ी दृश्य और नीचे खुला साफ सुथरा रोड। ये आपके सामने है 4 लेन प्रोजेक्ट्स की कुछ टनल। हो सकता है कि यहाँ पर जब 4 लेन बन जाए उसके बाद इन्हीं टनल से आगे किसी न किसी पॉइंट पर ये निकलें। और अभी हमारे सामने आ चुकी है भारतीय बस सर्विस। आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि कुल्लू की भारतीय बस सर्विस और कांगड़ा की न्यू ट्रेन, अगर इनमें सफ़र नहीं किया तो आपने क्या हिमाचल देखा। अभी हम पहाड़ों की सुंदरता को निहार ही रहे थे कि सामने से आ गई मनाली कांगड़ा बस, हमारी ही न्यू प्रेम बस सर्विस की सेकंड टाइम। ये पहली गाड़ी थी जो मंडी से कुल्लू के बीच में हमें क्रॉस हुई, जो न्यू प्रेम और न्यू प्रेम आपस में यहाँ क्रॉस हुई। अभी इस गाड़ी का भी हमने व्लॉग बनाया है, वो भी जल्द अपलोड किया जाएगा। ये पहाड़ी चट्टानों वाले पहाड़ भी कुछ अलग ही लगते हैं, इन्हें पूरा देखिए। चलिए आपको ऊपर से दिखाते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम घूमने आए हैं तो अच्छे से आपको एक्सप्लोर कराना हमारी जिम्मेवारी है।
इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हनोगी माता मंदिर। यहाँ पे मैंने ये अपनी गाड़ी छोड़ दी और यहाँ मैंने वेट किया अपनी दूसरी गाड़ी जो मुझे वापस जोगिंदर नगर ले जा सके। उसका व्लॉग भी हम जल्द डालेंगे। चलिए तब तक एंजॉय कीजिए अब यहाँ के आसपास का व्यू। इसी के साथ कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और ये जो अभी मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसका नंबर है 0166। इसका व्लॉग भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।